ना उस कंफ्यूजन में मैं अटका हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ कि कैमरा लेना पड़ेगा तो अच्छा सा एक लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा उसके साथ फिर से एक गोरिल्ला पॉड। ये वाला गोरिल्ला पॉड तो चलेगा नहीं क्योंकि ये 200-300 रुपए का ही मोबाइल होल्डर ही है, ठीक है ना। ये मोबाइल होल्डर के लिए ठीक है, कैमरा के लिए तो ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक गोरिल्ला पॉड अच्छा लेना पड़ेगा जो कि 4-5 हजार रुपए का है। एक कैमरा का माइक जो आता है वो भी 4-5 हजार रुपए का, रॉड का होगा वो भी 4-5 हजार रुपए का है। फिर आपका मेमोरी कार्ड भी उसका लेना पड़ेगा, एसडी कार्ड वो भी महंगा है। और कैमरे के लिए एक बैग भी लेना पड़ेगा, वो भी 2-3 हजार रुपए का है। मतलब सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए करीबन खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा एक मोबाइल लेने की सोचा हूँ, नॉट 9, ठीक है ना, नॉट 9 शायद मैं ले लूँ। वो शायद कर रहा हूँ क्योंकि बजट वहां तक भी थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, देखता हूँ। और ब्लॉगर लाइफ के अंदर भाई देखो, ब्लॉगर लाइफ है भाई, अपनी लाइफ को बांट रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। पसंद करो तो लाइक कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे इतने सारे लाइट चालू है, फैन बंद है, पसीना बह रहा है, ठीक है। देखो भाई कैमरा लूँ या ना लूँ वही सोच में हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरा लूंगा तो अच्छा से एक लैपटॉप भी लेना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर वाले की देन जो होगा अच्छा होगा, कर लेते हैं, ठीक है ना। और ट्रिपल आई ब्लॉक तो इसके लिए नाम रखा है, ट्रिपल आई ब्लॉक। कब क्या हो जाएगा, कौन सा आई हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता। ट्रिपल आई मतलब थ्री नाक, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा आंख से कौन सा दृष्टि पड़ता है, कौन सा चीज हो जाता है, ठीक है ना। और भाई बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। नंदी का दुख और गम खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, आप लोगों के साथ चलना है, ठीक है ना, आप लोगों के साथ चलना है। और हमारे अभी डेली ब्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे और डेली ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी लगा हूं, अभी घर में बैठे बैठे भी मैं ब्लॉग करूंगा और घर में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिंग करने का सोचूंगा और आप लोगों को सारी वीडियोस दिखा दूंगा। क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी रुक जाऊं या स्टॉप हो जाऊं, ठीक है ना। अभी चाहता हूँ कि और भी इसमें अंदर काम करूं और यूट्यूब में अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाऊं। भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, भले आज 100-200-300 है, 100-200-300 से ही 1 मिलियन बनता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। 1 मिलियन ना भाई अपना टारगेट है, बस वो पूरा करो। आप लोगों का द्वार है तो बहुत अच्छा होगा। आप सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करो, घर में सब्सक्राइब करो, सभी को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो तो आपको पता ही है कि मैं फैमिली के लिए वीडियो बनाता हूँ, कुछ उसमें गाली नहीं होती है, कुछ उसमें गंदी बातें नहीं होती, कुछ खराब चीजें नहीं होती है। बस देखते हैं जैसा भी लगे, आप लोग पसंद आ रहे हैं, आप लोग देख जो इतनी आप लोगों से धन्यवाद है। और बहुत अच्छा है कि मेरा वीडियो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया चल रहा है चैनल, चैनल के अंदर बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन बीच बीच में जो छोड़ दे रहा हूँ उसके अंदर कम हो जाते हैं लोग, व्यू थोड़ा कम आ जाता है, क्योंकि इस कारण से कम आता है कि भाई अभी नया नया चैनल है, कोई देखता है तो हर रोज वो देखना पसंद करता है, अगर हर रोज नहीं आते तो दिक्कत होता है। और हम तो ब्लॉगर लाइफ है भाई, इधर कभी कभी दूसरा काम, कभी इधर काम, देखते हैं भाई। अभी जो भी घर का काम धाम वो सब कुछ ब्लॉग ही थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए ब्लॉग ही रखा हूँ, ब्लॉगर नहीं रखा हूँ, ट्रिपल आई ब्लॉगर नहीं रखा हूँ, ब्लॉग ही रखा हूँ, क्योंकि ब्लॉग ही हो जाता है सब कुछ फैल जाता है, फिर करना पड़ता है घर का काम, बाहर का काम, सारी चीजें संभाल संभाल के कर।
सब्सक्राइबर है ये सब, ठीक है ना। आज अब लोगों के दिखाता हूँ, ये सब लोग छोटे सब्सक्राइबर है। भाई थोड़ा चिल्ला लो थोड़ा। सब्सक्राइबर ने चॉकलेट दिया है ये भाई ने, देखो ठीक है। और ये भाई का भाई जो है यहाँ पे खड़ा है, और उसको दिया गया था दो, और वो मुझे ला करके एक दिया। एक्चुअल में ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सब्सक्राइबर है। भाई क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना। ओके थैंक यू भाई, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर से सुन लिए। तो बढ़िया चॉकलेट दिया, और इसको खा के देखता हूँ। बहुत बढ़िया चॉकलेट दिया यार। दोस्तों के साथ तो ब्लॉगिंग करता ही था, अभी बच्चों के साथ भी कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में वो हमारे बच्चे सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। वो हमारे बच्चे वाले सब्सक्राइबर हैं। और आप लोग कभी देखना बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करके या बच्चों के साथ शूट करके, बहुत ही मजा आता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर होते हैं, लेकिन उनको समझा पाना, उनको दिखा पाना, वो पहला मेन चीज है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ बहुत मजाक मस्ती आज करा, ठीक है ना, और उनके साथ खेला कूदा, बहुत कुछ किया। क्योंकि वो लोग मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आए, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। फिर फोटो खिंचाई, बहुत कुछ किए, ठीक है ना। और बहुत ही मजा आया। जो घर पे रह रहे के जो बोरिंग सा लगने लगा था, वो अभी खत्म हो रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा पल बिताया, ठीक है ना। और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और उनके उनके साथ मतलब मजाक मस्ती तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ मजाक मस्ती ना करो तो किसके साथ करो, ठीक है। अब जो वीडियो सब आए, कैसा लगा थोड़ा कमेंट में बता देना, ठीक है ना, ऐसा मैं वीडियो बना पाऊँ आगे चल के, ठीक है। और क्या थोड़ा सा ट्रांजेक्ट चेंज करते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा सा बातचीत करते हैं, या तो यहीं पे खत्म करते हैं। डोंट वरी, मेक मे रिपीट है, बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं कल आप लोगों के साथ, फिर से नया और एक वीडियो लेकर के आ जाता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। बाय बाय।